इस्लामी लाइब्रेरी में जो क्लासेस हुए वाकई मेरे लिए क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए। एटलीस्ट कितने घंटे डेली पढ़ते थे, एटलीस्ट कम से कम? अगर मैं बताऊँ तो जैसे कोई टाइम फिक्स नहीं था, यानी अगर किसी दिन 10 घंटे भी हो सकते थे, किसी दिन 5 घंटे भी हो सकते थे। जो बच्चे के बच्चों को एक बेहतर पढ़ने की जगह मिले उसके लिए यहाँ जितनी किताबें उनकी ज़रूरत को होती है वो मिलते हैं, और एक बहुत ही पुरसकून माहौल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट एंड ए वेल स्टैंडर्ड सीटिंग अरेंजमेंट यू कैन से, कि जो मेरे ख्याल से इस तरह के लाइब्रेरी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, और ख़ास से वो ऐसी लाइब्रेरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। खबर सबसे पहले मैंने अपने घर पे भी बताया, और उसके बाद जितने मेरे सर थे उनको फ़ोन किया, और बहुत से सर ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा ज़ियारत हुआ है। होता है क्या है कि हम लोग हर चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, किसी भी चीज़ को, या फिर कोई आपको गाइडेंस करता है तो उनकी बातों को भी आप सीरियसली नहीं लेते हैं। तो जब पागलपन आ जाएगी किसी चीज़ के लिए तो कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। पागलपन तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, आप सीरियस हो जाएं तब भी आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। कमट्टी के रहने वाली तबस्सुम परवीन ने रचा इतिहास। जेआरएफ के इम्तिहान क्वालिफाई करने वाली जिला की पहली मुस्लिम लड़की बनी। तबस्सुम की इस कामयाबी पर इस्लामी लाइब्रेरी की जानिब से उन्हें फेलिसिटेट किया गया। अदारे के सेक्रेटरी परवेज़ अहमद, नायब सदर इसराफिल ने तबस्सुम को मुबारकबादी दी और उनकी कामयाबी के लिए दुआएँ दी। आपको बता दें UGC नेट GRF एग्ज़ाम का आयोजन करती है और टॉप 6% स्टूडेंट को फेलोशिप देती है। ये फेलोशिप CSIR एंड UGC के द्वारा यंग स्टूडेंट्स को, टैलेंट स्टूडेंट को दिया जाता है और उन्हें फिनंशियली सपोर्ट किया जाता है ताकि वो रिसर्च की दुनिया में आगे बढ़ सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। आइए देखते हैं आगे की खबर। सुन के बहुत ही खुशी हुई। किसके जरिए इन्फॉर्मेशन मिली कि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया? मेरे एक फ्रेंड है, क्योंकि मैं उस वक्त कॉलेज में गई हुई थी और कॉलेज में उसी वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि रिज़ल्ट आ चुका है, और इत्तेफाक से उस वक्त मेरे मोबाइल में चार्ज भी नहीं था, मेरा मोबाइल बंद होने वाला था। अच्छा। तो मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है शाद अहमद, तो मैंने उसे भेजा कि देखो मेरा रिज़ल्ट आने वाला है और मेरा मोबाइल भी ऑफ हो जाने वाला। अच्छा। तो उसने ही मेरा रिज़ल्ट सबसे पहले देखा और बोला कि तेरा ZRF हो गया। ये खबर सबसे पहले आपने किसको दिया? ये खबर सबसे पहले मैंने अपने घर पे भी बताया, और उसके बाद जितने मेरे सर थे उनको फ़ोन किया, और बहुत से सर ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा ZRF हुआ है। अभी मेरा जो ताल्लुक़ है किसी इल्मी व अदबी घराने से ताल्लुक़ नहीं है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे घर में तो इसका इल्म भी नहीं है। अच्छा। जैसे कि मैं अभी MEd कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, हेस्टिंग हाउस गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मैं कहूँ किसी एक का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मेरे जितने, क्योंकि मैं जिस तरह मैं पढ़ती थी ना, तो सबसे पहले जैसे मैं एक अपने प्राइमरी स्कूल जहाँ से मेरी हुई है, यहाँ मदरसा सलीमिया बालू तालाब में एक प्राइमरी स्कूल है, तो उस स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी तो उस वक्त वहाँ के एक हेड मास्टर थे मरहूम मास्टर सदरुद्दीन, तो मैं उनके वो बहुत मानते थे मुझे, और अक्सर क्योंकि मेरे अबू, जैसे उनका दुकान है चाय नाश्ते वगैरह का दुकान है, और मेरे अबू के पास जब भी सर आते थे तो अक्सर बचपन से कहा करते थे कि अपनी बेटी को बहुत पढ़ाइएगा, आपकी बेटी बहुत आगे जाने वाली है। पुरानी कहावत है कि हीरे की पहचान जौहरी करता, तो एक टीचर की नज़र होती है स्टूडेंट पर, जरूर पड़ती है कि ये स्टूडेंट उस लायक है, आगे बढ़ सकता है, तो उन्होंने उस तरह से किया। बाद में जब आप हायर एजुकेशन ले रही थी तो GRF के बारे में किसने बताया कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए, ये आपके लिए बेटर होगा फ्यूचर के लिए? जैसे मैं JRF के लिए भी, क्योंकि मेरा जैसे मकसद था, यानी स्कूलिंग करने के बाद, कॉलेज होने के बाद से MA भी मैंने किया, अपने MA में भी टॉप किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी, लेकिन उस वक्त भी मुझे नेट JRF के लिए ये नहीं था, क्योंकि मेरा टारगेट उस वक्त यही था कि मुझे BEd की सीट हासिल करनी है और मुझे BEd करना है, यानी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो मैं पढ़ रही थी तो मेरा तो मेन टारगेट यही था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मेरा BEd में एडमिशन हो गया और मैं अपना BEd। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुमने जैसे कॉलेज में भी टॉप किया, MA में भी टॉप किया, पढ़ने में अच्छी हो, तो तुमको और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, नेट सेट तुमको देने। टीचर्स के साथ साथ आपको संगत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छा दोस्त है तो आपको मंजिल की कामयाबी के मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको रास्ता दिखा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह और भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे,
जिनको जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरे जितने सारे टीचर्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत, चाहे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हो, चाहे हाई स्कूल के टीचर्स हो, चाहे कॉलेज में जाने के बाद से, यानी सबका मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट मिला है। आज इस लाइब्रेरी, इस्लामी लाइब्रेरी का भी यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले ही सर से कहा, क्योंकि 2021 अक्टूबर में मेरा बीएड कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करने के बाद से, उस वक्त जैसे मेरे दो बार नेट हो चुके थे और पीएचडी वगैरह के लिए, या मैं सोच रही थी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी इस तरह के थे। और जैसे बीएड कर चुकी थी, वैकेंसी वगैरह भी आती, तो उस वक्त यहाँ इस्लामी लाइब्रेरी में फ्री क्लासेस चलाए गए थे। तो 2021 अक्टूबर से लेकर 2022 के जून तक मैंने यहाँ पे क्लासेस किए। और वो जो, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस करने के बाद जब मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एमएड इंट्रेंस दिया, तो क्योंकि वहाँ पे जैसे 10 इंट्रेंस में एजुकेशन के अलावा 10 नंबर के इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस वगैरह के भी रहते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा एमएड इंट्रेंस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई किए, वहाँ मैंने एडमिशन भी लिया। लेकिन उसके एक महीने बाद यहाँ बंगाल के जो गवर्नमेंट कॉलेज है हेस्टिंग हाउस में, वहाँ पे भी मैंने इंट्रेंस दिया था। और जबकि वहाँ पे सारी तैयारी आप यहीं से लाइब्रेरी से कर रही हैं? हाँ, मैंने यहाँ पे भी क्लासेस किए हैं। और मैं अपना बता दूँ, जब मैं एमएड इंट्रेंस देने के बाद आई थी तो मैंने मुर्शीद सर को मैसेज भी किया था कि सर, जिस तरह आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, आज उस मॉक टेस्ट से जैसे पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन थे, तो मुझे वहाँ पे क्वेश्चन मिले थे। तो मैंने इंट्रेंस देने के बाद सर को मैसेज भी किया कि सर, आज मेरा इंट्रेंस था, मेरा यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन भी मिले हैं। आप इसके, क्योंकि जैसे कि लड़कियां, चाहे किसी को घर में कम काम करना होता है, किसी को बहुत, लेकिन जैसे मेरे घर में, क्योंकि मुझे, जैसे मैं आज भी क्लासेस जाती हूं, तो मुझे मेरे घर में नाश्ता खाना रेडी करके उसके बाद क्लासेस जाती हूं। घर के काम करने के अलावा आप फिर पढ़ाई करते हैं? हाँ, घर के काम भी रहते हैं। एटलीस्ट कितने घंटे डेली पढ़ते थे, एटलीस्ट कम से कम? अगर मैं बताऊँ तो जैसे कोई टाइम फिक्स नहीं था, यानी अगर किसी दिन 10 घंटे भी हो सकते थे, किसी दिन 5 घंटे भी हो सकते थे, जो बच्चे, क्योंकि मेरे रेगुलर क्लासेस भी चलते थे बीएड, फिर उसके बाद मैंने बीएड कंप्लीट करने के बाद एमएड में भी आई, तो एक रेगुलर वक्त कम दे पाते थे। हाँ, अगर जैसे आप अगर एक एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं ना, तो उस पर आपका पूरा 100% होगा, मतलब आपको फोकस एक जगह पे रहना चाहिए, इधर उधर नहीं। हाँ, तो लेकिन आप अगर जैसे रेगुलर क्लासेस जा रहे और उसके बाद से फिर तैयारी कर रहे, तो ये होता है ना कि तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप एक ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे, अगर आप 100% आप देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ईमानदारी किसी काम में होनी चाहिए, अगर आप किसी काम में ईमानदारी के साथ करते हैं ना, तो चाहे रेगुलर क्लासेस हो या जो भी, तो जैसे मैं क्लासेस करती थी, एमएड के क्लासेस जाती थी, 6 से 7 बजे के करीब घर आती थी, उसके बाद जो, तो 9 से लेकर कभी, यानी रात के 12 तक भी कभी, यानी जितनी देर तक पढ़ सकती थी पढ़ते थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस्लामी लाइब्रेरी से जो है तबस्सुम परवीन, जो कमेटी की बेटी है, उसने JRF क्वालिफाई, नेट JRF क्वालिफाई किया 2023 का। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है, चूँकि हम लोग बचपन जब कॉलेज लाइफ से सुनते आ रहे हैं कि JRF क्वालिफाई करना टफ होता है, इसलिए कि सीट्स बहुत कम होते हैं। और इसने जो उर्दू सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर 10 या 20 से ज़्यादा सीट नहीं होंगी। उसमें एक हमारी तबस्सुम भी है, और ये हम सब कमेटी वालों के लिए बहुत ही फख्र की बात है। इस्लामी लाइब्रेरी इस तरह के जो नौजवान हैं, जो अपनी करियर बनाना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके पूरी सपोर्ट करता है, और हम इसी के लिए लाइब्रेरी यहाँ पर पूरे माहौल प्रोवाइड करते हैं कि ताकि बच्चे अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लामी लाइब्रेरी के जरिए और किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि आबादी के आसपास के जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो कामयाब हो सके? किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही, क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही? सबसे बड़ी जो हम लोगों ने यहाँ पर जो ख्याल रखा है वो ये कि बच्चों को एक बेहतर पढ़ने की जगह मिले, उसके लिए यहाँ जितनी किताबें उनकी ज़रूरत को होती है वो मिलते हैं, और एक बहुत ही पुरसकून माहौल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट एंड ए वेल स्टैंडर्ड सीटिंग अरेंजमेंट, यू कैन से कि जो मेरे ख्याल से इस तरह के लाइब्रेरी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, और ख़ास से वो ऐसी लाइब्रेरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हम लोगों ने लाइब्रेरी ये कमेटी के बच्चों के लिए इसलिए बनाया कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ऐसे बच्चे हैं, हम लोग भी ऐसी थे कि गरीब बच्चे हैं, घर में पढ़ने की जगह नहीं होती है, तो जो बच्चे रियली सिंसियर हैं और अपनी करियर बनाना चाहते हैं वो यहाँ आते हैं और अपने अपने
प्लानिंग के हिसाब से उनको जिस कंपटीशन की भी तैयारी करना होता है, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करना, तो यहाँ पढ़ते हैं। और ये लाइब्रेरी सुबह 9 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक खुली रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देर इज़ नो एनी कॉस्ट फॉर द स्टडी हेयर, और एक अच्छे माहौल में। और जो है अल्लाह का शुक्र है कि हम इसका नतज देखते हैं, जब से हमने लाइब्रेरी बनाया है से काफ़ी बच्चे कामयाब हो रहे हैं, और इसमें जो है इस्लामी लाइब्रेरी का बड़ा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। असल से मैं एक बार उन फिर दोस्तों का मुबारकबाद कर रहा हूँ जो हमारी टीम है, ये एक बंदे की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूरी टीम है जो कलकत्ता में भी है, कलकत्ता के बाहर भी हैं, जिन लोगों ने जिस तरह से भी जैसे भी हो ताउन किया इस लाइब्रेरी को, और आगे भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ उनसे वो ताउन करते रहेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि हर जगह के लोग आएँ, ऐसे फैज़याब हो, ओपन टू ऑल, और इसीलिए हम लोग लाइब्रेरी में कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं इस लाइब्रेरी से ज़्यादा लोग फैज़याब हो और आ करके अपनी करियर बनाएं, और करियर बनाने के बाद इस कौम की, इस मिल्लत की और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। देखिए, हमारा ये जो लाइब्रेरी है, सबसे पहले तो हमारी जो लाइब्रेरी है इसे मतलब एक तरह से मान लीजिए 24/7 ओपन रहती है, उसमें बच्चे तरह तरह के मुकाबला जाती है, इम्तहान की तैयारी करते हैं, उससे रिलेटेड बुक्स वगैरह लेकर यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया था कि अपने लाइब्रेरी को टू स्टोरी करने के बाद ऊपर की बिल्डिंग में हम लोगों ने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स का एक पूरा सेटअप तैयार किया था। उसमें क्या था कि जैसे तबस्सुम जो है ये JRF क्वालिफाई की हैं, ठीक है ना, तो इनका मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें है, तो JRF क्वालिफाई करने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है, तो उसमें आपके जो सब्जेक्ट है उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, उसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ का भी पेपर रहता है। तो आमतौर पर होता क्या है कि जो बच्चे अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो GS पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग जो कंबाइंड क्लासेस हो या WBCS का क्लास हम लोगों ने कराया था, तो उसमें क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं ताकि वो डिफरेंट तरीके के मतलब अलग अलग मुकाबला जाति इम्तहानात में बैठ पाएँ और उससे कामयाब हों। और उसमें क्या होता है कि हमारा एक टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, और उसके साथ साथ जैसे मंथली हम लोगों ने क्लास कराने के बाद मॉक टेस्ट वगैरह कराते थे, तो उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। ये जो क्लासेस होते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या कुछ चार्जेस होते हैं? बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन नॉमिनल चार्ज जैसे 300 पर मंथ लिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि हम लोगों ने भी ये देखा है कि फ्री के नाम पर जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 2018 में जब हमारी पुरानी बिल्डिंग थी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस वक्त पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पहला वीक ऐसा था कि बच्चों को बैठने तक का जगह नहीं था, लेकिन एक महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो हम लोगों ने इस बार किया कि एटलीस्ट एक नॉमिनल फ़ी रहे ताकि बच्चों को लगे कि हम कोई फ़ी दे रहे हैं, ताकि वो इंटरेस्ट ले। और असलम भाई, देखा है मैंने काफ़ी आप सरगर्म रहते हैं बच्चों को एजुकेट करने में, और देखते हैं कई सामाजिक संस्था भी आपको बुलाती हैं, कहीं ना कहीं इस्लामी लाइब्रेरी में मेरे ख्याल से टीचर्स में सबसे ज़्यादा अहम रोल आपका मुझे देखने को मिलता है, तो जो तबस्सुम ने पास किया इसको लेकर के क्या कहेंगे इस्लामी लाइब्रेरी के बच्चों को? जैसा कि स्वाजी टीचर भी हम लोग अपॉइंट किए थे, और ये लड़की माशाल्लाह शुरू से ही एक्टिव है, और ये पहली लड़की होगी कम्युनिटी से, चाहे ये ज़िला से मैं बोल सकता हूँ, जिसने JRF क्वालिफाई की, और ये तमाम उन लड़कियों के लिए जो उर्दू मीडियम से हैं और हमारे माहौल से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए एक मैंने नमूना के तौर पर है, प्रोटोटाइप ये है हमारे लिए, और ये फ्यूचर में प्रिंसिपल भी बन सकती है। जैसा कि हमारे परवेश साहब ने कहा, मास्टर मोहम्मद समीम अंकल ने कहा कि ट्रेनिंग कॉलेज में प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ये प्रिंसिपल भी बन सकती है फ्यूचर में। आप भी हम जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी अहमियत को समझें। जिस दिन हम अहमियत समझ जाएंगे ना, जैसे जस्ट सपोज़ हम कुछ एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में कि गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ है, तो पहले उसकी अहमियत को समझें। उसकी अहमियत को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम मेहनत उसके हिसाब से करना शुरू कर देंगे, और फिर आपको लगेगा कि बहुत आसानी से वो चीज़ आप अचीव कर लिए। होता है क्या है कि हम लोग हर चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, किसी भी चीज़ को, या फिर कोई आपको गाइडेंस करता है तो उनकी बातों को भी आप सीरियसली नहीं लेते हैं। तो जब पागलपन आ जाएगी किसी चीज़ के लिए तो कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। पागलपन तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, आप सीरियस हो जाएं तब भी आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लाइब्रेरी खुली रहती है, रात को 10 बजे तक। आप लोग 8 से 10 के बीच कोई बच्चा पढ़ कोई भी बच्चे आकर, लाइब्रेरी का हम लोग का नाम ही है इस्लामी लाइब्रेरी एंड फ्री रीडिंग रूम, दैट्स द फुल नेम ऑफ आवर लाइब्रेरी। असल साहब, मैंने देखा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते थे, कॉरपोरेट में, कितना एज तक आपने काम किया, उसके बाद क्या दिमाग में आया कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए, उसके बाद आपने तैयारी की है गवर्नमेंट जॉब हासिल की? मैंने सबसे पहले इस्लामी लाइब्रेरी में 2010 में मैं आया,
इस वक्त जॉब कर रहे थे? उस वक्त मैं जॉब नहीं कर रहा था, ग्रेजुएशन में था। अच्छा। ग्रेजुएशन मेरा 11 में कंप्लीट हुआ और मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ने लगा। अच्छा। कुछ वक्त पढ़ने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि बहुत टफ है, नहीं हो रहा। अच्छा। तो मैं फिर प्राइवेट की तरफ बढ़ा। बढ़ने के बाद वहाँ प्राइवेट में मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ काम कराया जा रहा, जिस तरह इंसानों को एकदम गधे की तरह खड़ाया जा रहा, और उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे। कितने साल काम किया आपने? तकरीबन कॉरपोरेट में सेक्टर में मैंने 4 साल तक काम किया है, फिर मैंने वहाँ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसकी वजह थी कि वहाँ कोई फ्यूचर नहीं था। और दोस्त, छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यह था कि बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी मेरा हो नहीं रहा था। तकरीबन 2013 से लेके 21 तक मैंने मुकाबला जाती एग्ज़ाम में कई इंटरव्यू दिए, किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा था, जो अचानक ये 2014 का रिजल्ट तो क्वालिफाई किया था मैंने, अचानक इसमें दिसंबर 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया, और 2020 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया, और 21 में इसका इंटरव्यू हुआ जनवरी में, और फरवरी में इसका रिक्रूटमेंट शुरू हुआ, और जुलाई में मेरा हो गया। तो इस तरह ये जो लम्हात थे, ये जो थे मेरे, ये पूरा मेरा सफ़र था। ये सफ़र तो बहुत दर्दनाक था, पर यह है कि जो अगर सही, अगर कोई सही दिशा में हो, अगर वो चाहे मेहनत करेगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, शायद हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा। तो एक पुरानी कहावत है, जब जाओ तब सवेरा, जिस चीज़ के लिए जब इच्छा करे अगर लग जाए।